देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है टू कॉस्थ थीटा प्लस साइथ थीटा इक्वल टू वन थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाई टू देन सेवन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सबसे पहले यहां पर यह नोट डाल दिया थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाई टू अदरवाइज अगर थीटा पाई बाई टू लेते तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती और थीटा को यहाँ पाई बाई टू रखते तो आंसर सिक्स भी हो जाता और आप देखिए ध्यान से ऑप्शन सिक्स दिया भी नहीं तो क्या करें तो बड़ा सिंपल लॉजिक है कि इस इक्वेशन से या तो इसको साइन की इक्वेशन बना लें या कॉस की और एक टिनामेटिक एंगल निकाल लें तो सपोज आपने इसको ऐसा लिखा टू कॉस थीटावल टू वन साइड कर दीजिए तो फोर कॉस स्क्त थीटा इक्वल टू यहां पे स्क्वायरिंग करेंगे ऐसा सोच लीजिए तो ये होल स्क्वायर होगा तो वन माइनस टू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसको भी साइन में चेंज कर दीजिए तो वन माइनस ये स्टेप समझाने के लिए लिख रहा हूं वन माइनस टू अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझने वाला क्वेश्चन है तो ये फाइनली मिलेगा फाइव टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस टू साइन थीटा फोर माइनस तो माइनस थ्री इक्वल टू जीरो राइट अब आपको फैक्टर बनाने फिफ्टीन आ जाए तो फाइव साइन स्क्वेर थीटा माइनस फाइव साइन थीटा प्लस थ्री साइन थीटा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो फाइव साइन थीटा कॉमन लिया आपने तो साइन थीटा माइनस वन और थ्री कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस वन अब देखिए इससे दो बातें समझ में आई एक साइन थीटा वन हो गया और एक साइन थीटा माइनस थ्री बाय फाइव हो गया साइन थीटा वन पे थीटा पाई बाई टू होता बट मेंशन कर दिया ये नहीं लेना तो इसको छोड़ दीजिए अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर माइनस थ्री बाय फाइव है तो कॉस्ट थीटा क्या होगा अब साइन निगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ में तो यहां पर अगर मैं कॉस्ट थीटा आपसे पूछूं तो आप बोल सकते हो फोर बाय फाइव या थीटा होगा माइनस फोर बाय फाइव बट एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम साइन और कॉस्ट को यहां रखेंगे और अगर दोनों ही निगेटिव ले लिए तो प्लस वन रिजल्ट नहीं आएगा इसका मतलब हम इसको निगेटिव नहीं ले सकते तो इसको हमें पॉजिटिव ही लेना है तो अब क्या होगा थीटा को आपने पॉजिटिव लिया और साइन थीटा को आपने निगेटिव लिया तो ये हो गया 28 एट बाय फाइव माइनस एटीन बाय फाइव यानी 10 बाय फाइव एंड दिस इक्वल टू टू तो करेक्ट आंसर होगा टू कई लोग जल्दबाजी में ये मिस्टेक कर सकते हैं क्योंकि जब भी आप कॉर्डेंट देखेंगे या इसको कॉस के टब में बनाएंगे तो भी तो जो भी एंगल निकाल रहे हैं साइन और कॉस के वो इससे वेरीफाई करें जब साइन और कॉस आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू होगी उससे ये क्वेश्चन का आंसर राइट आएगा अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा